हर हर महादेव। एक देखिए कैसा विचित्र प्रश्न आया हमारे पास, कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम, क्या अंतरजातीय विवाह करने वाली कन्या का कोई कन्यादान करता है तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होगा या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई अंतरजाति यानी अपनी जाति वर्ण को छोड़ करके किसी दूसरे जाति वर्ण में कोई कन्या विवाह कर रही है और उसका कोई कन्यादान कर रहा है तो उसे कितना फल मिलेगा, ये पूछना चाह रहा है। अरे भाई क्या ये विवाह है, क्या वो कन्या है, क्या ये दान है, फल तो इसका मिलेगा ना, तो पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा क्या ये विवाह है, कहां किसने कहा है कि ये विवाह है, विवाह क्या होता है, कहां होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, कितने विवाह के भेद हैं, ये कौन बताएगा, शास्त्र ही ना बताएंगे, शास्त्र में लिखा होगा वही होगा, तो शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि ऐसे ऐसे करने पर भी विवाह होगा। क्या वो कन्याएं हैं जो अपनी जाति को छोड़ करके, आजकल तो विवाह की और कन्याओं की उम्र बढ़ा दी है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कन्या संज्ञा ही नहीं रहती उस वक्त, 21 वर्ष तक कोई कन्या कन्या रहेगी, ऋतुमती नहीं होगी क्या, वो ऋतुमती होने से पहले कन्या होती है, शास्त्र कहते हैं ऋतुमती हो जाने के बाद वो कन्या नहीं रहती है, तो 21 वर्ष के बाद या जब भी विवाह हो रहा तो कन्या ही नहीं है पहली बात, दूसरी बात इस विवाह की कहीं शास्त्र में अनुमति ही नहीं है और ऐसा कोई दान दान नहीं है, ये तो अपराध है। जैसे आजकल एक और हो रहा है कोर्ट मैरिज, कि कोर्ट में जाकर के कोई भी किसी भी जाति वर्ण का किसी भी प्रकार का कोई भी वर या कन्या कोई भी है और वहां जाकर के अपना वो लड़का लड़की ही कहा वर कन्या क्या कहा जाए उनको, वो लड़का लड़की लड़ धड़के जो पैदा हुए हैं उसको लड़का लड़की कहते हैं, ऐसा हमारे गुरु जी कहते हैं, है ना, पुत्र वही है कि जो पुन्नाम नरक से त्राण करे रक्षा करे तार देवे उसे पुत्र कहते हैं, अथवा आत्मा वही जायते पुत्र जो अपने शरीर से औरस रूप में औरस से प्रकट होता है, औरस पुत्र जिसको कहते वीर से उत्पन्न होता है, विधिवत विवाहित अपनी भार्या में विधि पूर्वक गर्भाधान से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके सभी संस्कार आदि पिता के द्वारा संपन्न होते हैं उसे पुत्र कहा जाता है। तो अब ये क्या है, तो वहां जाकर के कोर्ट में और जो अपना विवाह कर ले रहे हैं तो ये विवाह भी शास्त्रीय नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, एक तरीके का अवैध ही है, अवैध माने जो विधि पूर्वक न हो, विधि क्या है, विधि तो शास्त्र विधि तो ही शास्त्र में जो जो कर्म करने के लिए जिस जिस वर्ण आश्रम के लिए जो आज्ञा दी गई है जो विधान बताया गया है वही विधि है, विधि अत्यंतम प्राप्त हो नियम पाक्ष के सती याज्ञवल्क्य स्मृति में। परंतु आजकल की जो सरकार जो बताई रही है यहां का ये जो है सरकार का जो संविधान है इसके अनुसार भले ही वैध हो भले ही उसको मान्यता हो उस बात का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार तो वो अवैध ही है, उसका कोई भी विधान नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, हमारे धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाति जी महाराज का ही वचन है, वे कहते हैं कि यहां का जो संविधान है भारत का जिसको आप लोग आए दिन फूंकते पजारते हो, क्योंकि जो कभी भी कोई कानून बन गई कभी कोई मिटा दी चाहे जो चाहे जब बना ली आपके हाथ में इसी को फूंकना पजारना धर्म सम्राट ने कहा हुआ है, तो वो तो आपके हाथ में आए दिन फूंकते पजारते हो, कई बार इसमें संशोधन हो चुका है और ये भी इसी देश में चलता है, इसी देश का जो अंग है पाकिस्तान किसी दिन जो भारत ही था बांग्लादेश, तो वहां भी ये आपका संविधान नहीं चलता है यही चलता, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता है, कब से चला है ये तो पता है अभी से लागू हुआ है, लेकिन हमारा जो संविधान है
भू भो स्व महाजन तप सत्य अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल 14 भुवनों में और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत काल से अनंत काल तक सदा सर्वदा चलता है, चलता था और चलता रहेगा। ये सनातन धर्म है, इस संविधान की बात हम कर रहे हैं। इसमें ये विवाह कहीं भी वैध नहीं है। ये जो आजकल सनातन धर्म को ही नष्ट करने वाले, ये सनातन धर्म के नाम लेने वाले जो भी सरकार है, ये ही सनातन धर्म के पक्के दुश्मन है। इनके नियम कानून बिल्कुल जो भी बनाए जाते हैं कि अवैध विवाह कर लो, उनके लिए इतना प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको इतना गिफ्ट इनाम दी जाती है कि भाई इतना मूल्य मिलेगा अगर किसी निम्न वर्ण वाले कन्या, निम्न उच्च वर्ण वाले वर से कर लेते, या उच्च वर्ण वाले जो कन्या है वो निम्न वर्ण वाली वर से मतलब प्रतिलोम कर लेता तो बहुत ज्यादा जो पैसा मिलता है। तो ये क्या है, ये सरकारें ही धर्म को तोड़ने वाली हो रही है। तो ये विवाह विवाह नहीं है। इसी प्रकार ये भी अवैध, ये जो कह रहे हैं कि अपने वर्ण आश्रम धर्म को छोड़ करके अंतर जातीय जो वर्ण संकरता का कारक है वो विवाह जो कर रहे हैं, तो वो क्या विवाह है, उसमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा, मिलेगा पाप। देखिए जिस प्रकार कोई भी धार्मिक कृत्य है उसका अनुमोदन करने वाला, उसका समर्थन करने वाला, यथाशक्ति उसका सहयोग करने वाला, उसको पूर्ण रूप से करने वाला, परोक्ष रूप से करने वाला, जो भी है मानसिक रूप से समर्थन करने वाले को भी धर्म कृत्य का फल प्राप्त होता है। ठीक इसी का विपरीत यदि कोई अधर्म अधार्मिक कृत्य है, यानी अशास्त्रीय कृत्य है, शास्त्र जिसका विरोध करते वो कृत्य है, तो उसका सहयोग करने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला, उसमें सम्मिलित होने वाला और उसको किसी भी प्रकार से उसका जो है समर्थन करता है मनसा वाचा कर्मणा, तो उन वे सभी लोग पाप के अधिकारी हैं। ये बात ध्रुव निश्चित है और भोगना पड़े। तो कोई माता पिता या कोई भी जहां भी कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से कोई विवाह इत्यादि होता है तो लोग भोजन करने के लिए जाते हैं, प्रीति भोज जिसे कहते हैं, प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है, तो वो तो प्रेम पूर्वक भोजन करा रहा है और जो करने वाले हैं तो उनका मतलब होता है कि भाई देखिए ये शुभ कृत्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कि हमारी इसमें सम्मति है, ये बहुत अच्छा है करिए, तो ये समर्थन करने के लिए ही तो लोग जाते हैं और वहां वो प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं तो लोग करते हैं। तो यदि कोई अशास्त्रीय कृत्य हो रहा है, ये जो उसे विवाह अवैध विवाह बताए गए हैं, यानी अंतर जातीय विवाह, और या ये जो शासन समर्थित अशास्त्रीय शासन समर्थित जो विवाह है जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं, उसमें भी यदि कोई समर्थन देता है, गवाही देता है, या जाकर के निवेदन करता है, या पार्टी मनाता है, भोजन करता है, तो उन सबको अपराध लगता है और वे सब पाप के भागी हैं, सबको भोगना पड़ेगा। एक जगह गृह प्रवेश हो रहा था, आपको बात बतलाए, हमारे गुरुजी के अभिन्न लोग और वो लोग जो है गृह प्रवेश कर रहे थे, तो गुरुजी तो कहीं भोजन करते नहीं, उनको बुलाया गया था कि भाई आप वहां आइए दर्शन दीजिएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो गृह प्रवेश हो रहा है, मैंने कहा गुरुदेव चलेंगे क्या आप, बोले कि हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों, वो तो आपके जो है अभिन्न है, वहां आपको जाना चाहिए। बोले ये इसमें मुहूर्त नहीं है, ये मुहूर्त नहीं है, ये जो अपने मन माने किसी ने कहा कि चलो अरे हमारे यहाँ तो इसमें हो जाता है, आज हो जाएगा, आज वो है, आज अष्टमी है, आज दशहरा है, आज जो है जन्माष्टमी है, आज कोई लोग कर लेते हैं मनमाने ढंग से, तो बोले कि इसमें मुहूर्त ही नहीं, इस वक्त कैसे जाया जाए। तो इसका मतलब अगर हम वहां जाते हैं तो हम इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये कृत्य करिए, अच्छा है, ठीक है, तो हमारा अनु अशास्त्रीय कृत्य में यद्यपि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त गुरु शुक्र का अस्त है या तो कोई बात है, या जो है उस समय उस चीज का मुहूर्त नहीं है और वो कृत्य उसको कर रहे हैं, तो वहां हम जाते हैं तो माना कि हम समर्थन करते हैं, आज ठीक है हम इसमें आकर के अपनी ही और जो है सहभागिता लेते हैं और इसका हम समर्थन करते हैं कि हाँ ये शुभ हो।
तो ऐसा नहीं है, अशास्त्रीय कृत्य का समर्थन हमें नहीं करना है। ठीक है, वो हमारा मित्र है और जो है हम उसका जो है योगक्षेम का जो है ऐसा मानसिक संकल्प करते हैं, मन में विचार करते हैं, भगवान उसका कल्याण करे, भगवान को मनाते हैं, परंतु ये हम अशास्त्रीय कृत्य में उसका सहयोग नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से पूज्य गुरुदेव वहां नहीं गए। तो कहने का तात्पर्य जब देखिए इतनी सूक्ष्म बात कि वो उसका मुहूर्त नहीं था, उसमें नहीं गए, तो हो अगर कोई बिल्कुल ही अशास्त्रीय कृत्य है कहीं भी अपनी जाति को छोड़ करके और ये विवाह हो रहा है तो उसका कभी भी किसी भी प्रकार से हमें समर्थन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां जाना चाहिए। और जो जो जाते हैं वे पाप के भागी होते हैं। हर हर महादेव।